70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हुआ जिला स्तरीय मुख्य आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने किया ध्वजारोहण। बारिश की वजह से मैदान हुआ गीला, कार्यक्रम में पड़ा कुछ व्यवधान। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग द्वारा जिला मुख्यालय पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण के साथ परेड की सलामी ली गई। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन पर जिला स्तरीय मुख्य आयोजन किया गया। इस दौरान ध्वजारोहण के बाद प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च 5 को सलामी दी गई। विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। शासकीय विभागों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा गणतंत्र है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और निरंतर आगे बढ़ने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का अभी कल वाचन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण परेड कमांडर के नेतृत्व में अभिवादन कीजिए गणतंत्र दिवस के परेड और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वक्तव्य। शौर्य दल महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गणतंत्र दिवस की परेड में शौर्य दल की सहभागिता कर रहा है। ये सीट अभी जाए और भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन गणतंत्र दिवस में हमारे 13 प्लाटून स्वच्छता कर रहे हैं। चाहिए वसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ये केवल किसी शब्दकोश के शब्द ही नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती भाव यात्रा है, जहाँ एक और आजादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली वैभवशाली भारत का प्रतिबिंब है, वहीं दूसरी ओर आजादी का अमृत काल एक नए सशक्त और संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक। मन में ही संकल्प था कठिनाइयों को कामयाबी और आपदा को अवसर में बदलना है। मन में सही एक ही सपना था। आज क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2500 से अधिक स्टार्टअप बिना एक क्षण गवाए हुए इसे काम किया, ये कहते हुए मन गर्व और हर्ष से भर जाता है। एक जमाने में केवल रास्ता जिनमें देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के लोग व्यापार, खेल संस्कृति का विकास और युवा इंडिया की खेलों से जोड़ते हुए खेलों इंडिया यूथ गेम्स का ये आयोजन भी सफल साबित होगा। सरकार के दो ही लक्ष्य हैं, देशवासियों की तकदीर बदलना। प्रेम के साथ साथ पेड़ के बंधन में भी बांध दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस की निरंतरता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने
सफलता के अपने ही पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और 15,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। और परिवार में और समाज में बेटियों के महत्व को दर्शाती हुई है झांकी सलामी मंच की ओर पहुंच रही है जोरदार तालियों के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी का उद्घाटन कीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी जिसमें विश्व स्तरीय सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सीएम राइज स्कूल के विजन और मिशन को किस तरह से वर्ल्ड स्केल पर हमको सीएम राइज स्कूल्स को स्थापित करना है यह दर्शाती हुई। और स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी शिक्षा का जीवन सारा प्रभाग के समक्ष आ रही है। मुख्यमंत्री मुख्य मछुआ समृद्धि योजना जिसमें मछली पालन को किस तरह से व्यवसाय के रूप में अपनाकर और मध्य प्रदेश शासन की अभिनव और कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग कर परिणामों को व्यवसाय को हासिल किया जा सकता है। और अब आपके समक्ष पशुपालन विभाग की झांकी जिसमें निशुल्क राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकों को दर्शाया गया है। और अब मंच की ओर पहुंच रही है महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी जिसमें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी और हजारों हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ आज हमने गणतंत्र दिवस मनाया। इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की ताकत बना है। आज हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हम सब पूरी तन्मयता के साथ इस देश के विकास इस देश के कल्याण स्थायी रखने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जिएंगे।